फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। सेवनिया पहला प्रणाम। आज सरोज पहाड़न ब्लॉग की शुरुआत में करूँ छो किले की जबटिन हम देहरादून आई तब बटिन मेरे घरवाल जो जो कुल कपड़े ही धोने पे लगी और यह कह कि कपड़े ही धोनी तो देख चला। आज मैंने सोचा आज नहीं कर लूँ, चलो देख बोल जरा लगी से बिल्कुल एकदम बाथरूम में धो भाई धो बल्कि धो साफ ऊँच चंद कपड़ा एकदम इना भी देखा भाई जरा। मैं यहाँ के इतना बिजी हो गई हूँ, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी मेरे पतिदेव ने करी है। कितना काम हो रहा है यहाँ, बाप रे बाप, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब इस टाइम बड़ी मेहरबानी कर दी मेरे बेटे ने कि लाओ मम्मी कपड़े मैं सुखा देता हूँ, बहुत हालत ख़राब हो रही है। वो तो अच्छा है कि यहाँ इतना ठंडा नहीं है, नहीं तो इतना काम होता कैसे। लोग देहरादून आते हैं घूमने फिरने के लिए, मैं आती हूँ यहाँ अपने बेटे की बाई बन के किसके सारे काम निपटाओ, कहाँ का घूमना कहाँ का फिरना। चलो जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक करना ही पड़ेगा। चल बेटा कम से कम कपड़े टांगने तो आता है तुझे, हैं और कुछ नहीं भी करेगा तो ये तो कर ही रहा है। धन्या हो गई मैं तो आज मेरे बेटे ने कपड़े सुखा दिए। अकू क्या पी रहा है? पाइनएप्पल जूस। कैसा हो रहा है तो ये ठंडा नहीं लग रहा है क्या है? वो आइस पड़ी है उसमें क्या? मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, मैं इतना बिजी हो गई हूँ यहाँ आकर के। इतना बिजी तो मैं गैसन में भी नहीं रहती हूँ, इतना बिजी हो गई हूँ। ये नेहरू कॉलोनी का व्यू, बहुत सुंदर सी जगह है नेहरू कॉलोनी। अचार बनाई मेरी लड़की, मिर्च अचार बहुत टेस्टी होने। मेरी जब बार मेरे तो बहुत ज़्यादा खेल ली रोटी देखे सुबह मम्मी मीठी रोटी बनाई थी और मैं भी बहुत टेस्टी लग रही थी और दाल भात देखे तो और भी टेस्टी होली। तीन माँ बच्चे तेना तीन खाना भी आओ, आप लोग भी आओ। अभी आए हम राजपुर रोड और ये होटल देख के मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था, फिर याद आया, रिमाइंड किया माइंड में कि जब मिट्टी को देखने लड़के वाले आए थे तो यहीं आए थे। ओयो कलेक्शन, तो पुरानी याद ताज़ा हो गई। मैं सोच रही थी कि जगह देखी देखी लग रही, देखी देखी लग रही है, फिर याद आया, अरे यार जब मिट्टी को देखने आए थे ऐसा हो जाता है। हम फ़ोन के कवर लेने आए थे यहाँ पे, तो यहाँ भी अब इतने सुंदर सुंदर अपार्टमेंट बन गए हैं। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे मिट्टी का ट्यूशन था। इतने सुंदर सुंदर अपार्टमेंट बन गए हैं यहाँ, तब यहाँ ये सब खाली खाली था। अरे यार तुमने गाड़ी कितनी हिला दी है, धीरे धीरे चलाओ। आगे गली यहाँ पे दीदी लोगों का ऑटो आता था उनको लेने के लिए, लेकिन ये बद्रीनाथ चौक, ये मम्मी गाड़ी कैंट जाता है रास्ता नीचे, इसको बोलते हैं बद्रीनाथ चौक। यहाँ से आगे गाड़ी कैंट, यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर जी है, मंदिर है बद्रीनाथ जी का। और यहाँ ट्यूशन जाता था मैं, बता किसके पास? आपको का ट्यूशन क्या नाम था? बलूनी सर के पास दर्शन आते थे। यहाँ से ये कृष मोमो वाला, हाँ यहाँ पे, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्ण नाम से था, वही है वो अंकल है आपको। हाँ यहाँ पे मोमोज मिलते थे क्रिश करके, यहाँ पे दोस्तों। आज पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई, हम अपने पुराने मोहल्ले की साइड को गए जहाँ मेरे बच्चे रहते थे जब उनकी स्कूलिंग हुई थी।
तो बहुत अच्छा लगा सब देख देख करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर मिलती हूँ जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।